बड़े आदर व सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कटारे साहब को कि अपने श्री मुख से आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें आदरणीय कटारे साहब। भारत माता की, भगवान एकलिंग नाथ की जय। आज जिस क्षण पर मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आदरणीय मंच के मेरे सभी सहयोगी मित्रों ने और समाज के प्रमुख लोगों ने भी अपनी मन की बात कही, लेकिन मैं आज उदयपुर की महान जनता को उनके चरणों में अपना सर नवाकर उसे आशीर्वाद देने के लिए खड़ा हूँ। इसने मुझे एक छोटे से बच्चे के रूप में राजनीति में बड़ा किया, आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया और उसके कारण से ही मैं ये काम कर पाया। आज मैं अपने उस सब कार्यकर्ताओं की टोली में चरणों में प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ये गुलाबचंद कटारिया इसके कारण से नहीं बना, आप सब लोगों के परिश्रम और मेहनत के कारण। आज मैं अपने संघ के उन प्रचारकों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन एक सन्यासी के रूप में बिताकर माँ भारती की सेवा करने का संकल्प लेकर के अपने घर गृहस्थी को छोड़कर आप और हमारे बीच में काम करते हुए इस राष्ट्र को खड़ा करने का प्रयत्न किया, उनको प्रणाम करता हूँ। आज मैं अपनी पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने अंधे कुएं में छलांग लगाकर इस पार्टी को खड़ा किया। मैं सोचता हूँ, जब भैरव सिंह शेखावत जी काम करने के लिए निकले थे, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि कभी मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री और देश का उपराष्ट्रपति बनूंगा। केवल और केवल एक विचारधारा को राजनीति में स्थापित करना, देश की महान परंपराओं को खड़ा करना, ये भारत जिसके कारण से जाना जाता है, ये धन दौलत के कारण से नहीं जाना जाता है, ये देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों की फौज से जाना जाता है, उसको खड़ा करने का प्रयत्न। और मैंने वो सारे दृश्य देखे, भैरव सिंह शेखावत इतना अच्छा भाषण करते, इतना भगवान ने उनको अच्छा शरीर दिया, लेकिन क्योंकि अभाव में पार्टी थी जनसंघ और इसके कारण से तांगे में साफा बिना पहने हुए प्रचार करता था कि आज शाम को 8 बजे फला जगह आम सभा होगी जिसमें भैरव सिंह शेखावत का भाषण होगा, और शाम को वही भैरव सिंह शेखावत मंच पर साफा पहन करके भाषण देने के लिए खड़ा हो जाता। कितनी कठिन रास्ते में से निकला, ये केवल पदों पे पहुंचने के कारण से नहीं निकला, ये देश के भविष्य को बनाने के लिए निकला। और इसलिए मैंने उन सब तपस्वी लोगों के साथ काम किया, मैंने ललित जी के साथ काम किया, मैंने भोला जी शर्मा के साथ किया, अभी मैं कल परसों भावड़ा जी जैसे 95 वर्ष के हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया। देख करके मन यह होता है कि साधना तो इनकी थी, हम तो साधना का मजा ले रहे हैं, हम तो इन पदों को सुशोभित होकर माला पहनकर ढोल बजवा रहे हैं, पर यार ये ढोल बजाने की स्थिति जिन लोगों ने पैदा की वो तो यार घिस घिस कर मर गए। उन्होंने तो कुछ न MLA देखा, न कोई पार्षद भी नहीं बने, वो साथ में कमाई तो उनकी है। आपने देखा होगा, मैंने बहुत बचपन में, मैं तो संघ का कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता में 61 में पहली बार संघ में, मैं संघ के प्रचारकों का जीवन देखता था तो शाम को सोचता था कि यार ये इंजीनियरिंग में टॉप या गोल्ड मेडलिस्ट नंदलाल ये प्रचारक कैसे बन गए। विचार करता था क्या चमत्कार है। तो मैं देखता था कि एक किशन भैया नाम के विभाग प्रचारक थे, और कैसा विभाग प्रचारक, आप दंग रह जाओगे, जिंदगी को किस तरह से समर्पित किया। आदमी को दोनों टाइम की रोटी चाहिए, लेकिन संघ अभाव में था, संघ के पास साधन नहीं था, जहाँ कहीं भी कार्यकर्ता खिलाता था वहां खाता था, अगर कोई नहीं पूछता तो भूखा रहता था। तो रोज शरीर में दूध टाइम भोजन खाना कोई जरूरी थोड़ी,
उसने प्रतिज्ञा की कि मैं जिंदगी भर एक ही समय भोजन करूंगा, एक ही समय, और उसने इसको निभाया। और इस एक दिन के भोजन के लिए भी एक दिन वो आबू की पहाड़ियों में गया और वहां जाकर के तपस्या कर रहे थे, तो किसी ने आकर के पूछा कि भाई तू क्या चाह रहा है, क्यों इतना यहां बार बार बैठ करके तू रात रात भर जाता रहता है, क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो ताकत दो कि मैं एक दिन के एक टाइम के बिना भोजन के भी अपना काम कर सकूं, वो आशीर्वाद चाहता हूं प्रभु से, ताकि मुझे वो ताकत दे। देखा कल मिलना बेटा, मैं इस जगह आऊंगा। वो कल जितनी बजे का समय बताया, उस समय वो नहीं पहुंच पाए, थोड़ी देर बाद पहुंच गए, वो नहीं मिला। तो जिन लोगों ने अपने आप को, मैंने जयदेव पाठक को प्रचारक देखा, मैं सच में ये कमाई उन महान लोगों की जो हम खा रहे हैं, उन लोगों ने उसको न कभी साबुन की जरूरत पड़ी, न कभी दाढ़ी की पत्ती की जरूरत पड़ी, जूते भी वो अपनी स्वयं की सुई से सीते थे, जिनकी चादर के 50 फुट आगे मेरी पत्नी सांस, मेरे 14 विधायकपुर में रहते थे, उनके चादर के टांके टांके, मतलब वो चादर नहीं दिखती थी, टांके दिखते थे। एक दिन उन्होंने कहा यार पाठक जी की वो मेरे कमरे में ही वहां 14 विधायक रखा, इन्होंने एक अच्छी सी चादर बिछा दी और हटा दी, वो प्रवास से आते ही एकदम आँख को बुला हो मेरे कमरे में कौन आया, मेरा कितने देखा, मुझे क्या हुआ कि मेरा चादर कहाँ गया, कि मैंने नया बिछा दिया, आपके चादर पे 100 टांके लगे हुए थे, तो क्या हो रहा था, काम आ रहा था ना, काम आ रहा था ना, मेरा कौन सा काम रुका है। तो ये वास्तव में दोस्तों मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, हम किसी महान उद्देश्य के लिए चले, केवल राज की कुर्सी चाटने के लिए नहीं निकले, ये हमारा उद्देश्य नहीं, ये तो हमारा काम करने का तौर तरीका है। और देश को जब आगे बढ़ाना, देश का गौरव बढ़ाना, ये पहली बार जब आपने देखा होगा ना, ये जो नरेंद्र मोदी नाम हो जाए, एक बच्चा तैयार होकर के देश को संभाल रहा ना, ये उसी मट्टी से तैयार हुआ नौजवान है, अटल बिहारी वाजपेयी है उसी मट्टी से तैयार हुआ है, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मात्र भूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन रात है। हम किसी उद्देश्य के लिए चले, हम केवल और केवल गडर मस्ती के लिए नहीं आए, इसको कोई शौक का काम नहीं है, देश निर्माण का काम। और देश निर्माण का काम क्या होगा, जब किसी भी घर में एक बच्चा रात को भूख से रो रहा होगा, जब तक उसकी भूख नहीं मिटती तो देश की तरक्की नहीं होगी। देश की तरक्की तो तब होगी जब हर बच्चे के पोस्ट पे चेहरा खुश होगा, जो लगेगा कि मैं भी इंसान हूँ। और इसीलिए आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में इस बात को, साधना को आगे बढ़ाया, बिना राजनीतिक भेदभाव के एक दिन लाल किले से घोषणा की, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को आबादी के आधार पर डामर की सड़क से जोड़ूंगा और सारा पैसा दिल्ली से भेजूंगा, ये पहला विचार। ये संस्कार कहां से आए, ये संस्कार किसी मिट्टी ने सिखाया। मैंने दीनदयाल जी को भी देखा, मैंने तीन बड़े लोगों को चुनाव लड़ाया था 1967 में, एक कृपलानी जी लड़े, एक लोहिया जी लड़े और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय लड़े, बहुत अच्छी कॉन्सेंट्री थी। फार्म भर के आए, आने के बाद क्योंकि वो पंडित थे, वो लिखते थे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सारे पंडित और ब्राह्मण इकट्ठे हो गए कि पंडित जी आज हमारे समाज का कार्यक्रम है, आपको उसमें आना है। पंडित जी जब कभी भी कुछ सोचते थे तो अपने दोनों पैरों के बीच में अपना माथा लटकाते, फिर सोचते थे, थोड़ी देर बाद सर उठाया, उठा के कहा कि आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा, लेकिन मैं सोच ये रहा हूं कि ये दीनदयाल जीत जाएगा और जनसंघ हार जाएगा, मतलब क्या, क्या मैं केवल पंडित हूं इसलिए मुझे वोट देकर के आप लोकसभा में भेजना चाहते हो, मैं इसके लिए काम नहीं करता हूं, मैं सबके लिए काम करता हूं और इसके कारण वो दर्शक में हमारी चर्चागढ़ में आ गए, क्योंकि वो हर साल आते थे। हमने पूछा पंडित जी आप कैसे चुनाव हार गए, दो लोग जीत गए, उन्होंने कहा मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया, हार गए।
और हमें पूछे मैंने उसने लत्ती मारी, मैंने उसका ये किया, उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। भंडारी जी चुनाव हार गया, हम जित से लाए थे कि भंडारी जी सुखड़ा जी के बाद कोई कैसी डिग्निटी उदयपुर से जाए जो वास्तव में उस जगह को भर सके, मैंने बहुत प्रयत्न करके लाया। जब चुनाव हार गए तो गुलाब जी ने धन्यवाद सभा करनी है, किसकी? कि चुनाव की। मैंने कहा चुनाव हार गए इसलिए। उन्होंने मुझे कहा क्या मतलब? मैं एकदम देखने लगा मैं क्या हूँ, मैं किस बात का धन्यवाद दें? क्यों, जिस जनता ने हमको वोट दिया उसका धन्यवाद देना हमारा फर्ज नहीं? और जब आप मकड़ी चौक में खड़े होकर भाषण देने लगे, हम सब लोगों ने भाषण दे दिया, लेकिन जैसे ही भंडारी जी खड़े होकर के संबोधन करने लगे और जब वो कुछ ही लाइनें बोले थे, आधी जनता रो रही थी। क्यों? क्यों हम चले किसके लिए? हम जनता की उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा स्वभाव होना चाहिए, हम राजनीति को धंधा नहीं बनाओ, राजनीति के आधार पर बच्चे बच्ची मत फालो, राजनीति सेवा का रास्ता है। तुमको जनप्रतिनिधि जनता ने बनाया इसीलिए है कि तुम उस जनता का कर्ज चुकाओ। आज मैं उदयपुर का कितना कर्जदार, जिसने मुझे कितनी बार 6 बार यहाँ से एमएलए बनाया, 1 बार एमपी बनाया, इस जनता के कर्जे को मैं केवल सेवा करके उसको चुका सकता हूँ, बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं। मैं चुकता हूँ कि वास्तव में चाहे वो भानु कुमार जी हो, चाहे मदनलाल जी धुपट, चरित्र की पराकाष्ठा, सुचिता की पराकाष्ठा, इन कोई पैदा नहीं हुआ जो एक भाई का इल्जाम लगा सकेगा। इसको कहते बीजेपी, इसको कहते भारतीय जनता पार्टी। अगर हमारे जीवन में कोई न्यूनता आ जाती है, हम एक दूसरे को लत्ती मारने के, अरे जिसके भाग्य में लिखा हो बन जाएगा, जिसके भाग्य में नहीं लिखा नहीं बनेगा, रोता क्यों है? काम करे ना, तू काम किसके लिए कर रहा है? देश के लिए कर रहा है, तो कोई जरूरी है तुझे मिल जाए? कोई जरूरी नहीं होता। कार्यकर्ता को इस बात को समझना पड़ेगा। हमने इस राजनीतिक पार्टी में इसलिए प्रवेश नहीं लिया कि हम नेता बनेंगे, हमने इसलिए प्रवेश किया कि लोकतंत्र का मान सम्मान बढ़ाते हुए देश को धर्म बेहोकर पहुंचाएंगे और दुनिया में फिर से भारत को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाएंगे। और आज आपने देखा है, छोटा सा चाय बेचने वाला बच्चा हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रहा है। ये किसके मन में कष्ट होता है? हर घर का बच्चा बिजली से जुड़े इसलिए हर घर में बिजली पहुंचा है। हर घर में मेरी माँ बहन इज्जत के लिए शौचालय बनना चाहिए, 11 करोड़ शौचालय था, है ना, हर आदमी की। और अगर आप और मुझको अगर ये 2 वैक्सीन नहीं मिले तो कितने गंगा जी चले जाते, इसका हिसाब बना। इस आदमी ने जिद थी और अपने वैज्ञानिकों को थपथपाता था, हम सारा देश तुम्हारा साथ खड़ा है, कोई चीज निकालो। हिंदुस्तान ने पहली बार अपनी 2 वैक्सीन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। यार ये कार्यकर्ता करता है, नेता के रूप में ये कार्यकर्ता के मन में जो दर्द होता है जनता के बारे में, और वो हमेशा एक बात कहते हैं, कोई वोट देता देता है माथे पड़ी मत पड़ो, तुम्हारा काम सेवा करने का है, नहीं देता नहीं देता है, नहीं देता इसका मतलब उसका काम नहीं करो, नहीं काम करना होगा। क्योंकि हम एमएलए बन जाते हैं तो उदयपुर की सारी जनता के एमएलए होते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एमएलए नहीं होते, एमएलए कहलाते हैं तो उदयपुर के एमएलए कहलाते हैं, अगर हम मंत्री कहलाते हैं तो राजस्थान के मंत्री कहलाते हैं। हमें इस बात की चिंता करनी, इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं सच कह रहा हूँ, आप सब लोग अगर प्रयत्न करो, एक अकेला आदमी जूझ करके हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ से उठा के ले गया, तो अगर हम सब लोग अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस राष्ट्र देवता की सेवा करने का प्रयत्न करें तो क्या इस देश को उस सर्वोच्च स्थान पर नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकते। आज मेरे कई कार्यकर्ता कहते हैं हम बहुत गम है, दुख है, काय का दुख है, गम है, किस बात का दुख? अगर इस बात को सोचते हो तो इसका मतलब क्या पद प्राप्त करना यही सुख है? मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता यही तुम्हारी तमन्ना है? इसको छोड़ो, केवल और केवल मेरा देश कैसे आगे बढ़े, इस रास्ते से हो सकता है उस रास्ते से बढ़ाएंगे। जो प्रयत्न करना, हमारी पार्टी जो भी काम देगी, छोटा देगी या बड़ा देगी, मैं कार्यकर्ता के नाते उसको सर माथे पे रख करके उसके आदेश की पालना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, और रास्ते से चलेंगे। आज आप इतनी बड़ी तादाद में आए, समाज के इतने बड़े बड़े लोग आए, मेरे को कई बार कहा, मैंने माला स्वागत, मैंने कहा क्या है यार,
ये जनता का आशीर्वाद ये सबसे बड़ा स्वागत। मेरे को दो पहना दी और दो नहीं पहना, क्या फर्क पड़ने वाला, केवल आपका फोटो जरूर खिंच जाएगा महामहिम के साथ, फोटो हो गया। क्या छोटा छोटा दिन करते हो। ये दलपत जी आपके पास बैठे हैं, मैंने इनको 8-8, 10-10 दिन तक मोटरसाइकिल पर बिठा करके कहाँ धरियावत की पंचायतों में कहाँ कहाँ घूमे है ना, कहाँ ब्यावर का और कहाँ ठेठ भीनमाल का हाथ खोना। मैं सोचता हूँ कि किसके लिए क्या, ये नहीं MLA बनने के लिए क्या, नहीं, जिस विचारधारा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, तो हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, इस मान और सम्मान को बचाने के लिए उस आदमी ने संघर्ष किया, इसीलिए वो दिलों पर राज करता है। तो किसी बड़े पूंजीपति के कारण से नहीं, कोई बड़ा बड़ा सम्राट होने के कारण से नहीं, जो दर दर की ठोकर खा करके भी आजादी की लड़ाई लड़ता है, इसलिए वो आज हमारी आंखों पर राज करता है। मैं विचार करने का सोच बदलो, जब यहां से जाएंगे ना बेटा खाली हाथ जाएंगे, याद रख लेना, जब आते हो तो मुट्ठी बंद करके भेजता भगवान और वापस दे जाता ना, तब खाली हाथ दे जाता। क्या मतलब समझ में आया, क्या मतलब, देश तुमसे कुछ मांगता है, जब देश तुझे सब कुछ देता है तू भी तो कुछ दे, देश तुम्हें सब कुछ देता है तू भी तो कुछ दे। मैं सोचता हूँ इस बात को मन से पकड़ो, और ये जितने कार्यकर्ता है मेरा मन तब प्रसन्न रहेगा आप बेदाग जीवन जी करके सादगी के साथ। हमारे पास कितना भी पैसा हो सकता है लेकिन हमारा जीवन सादगी से चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि तेरे से पीछे जो खड़े करोड़ों लोग उनको तेरे जैसे कपड़े पहनने का भी सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो तुझे वो पहनने का भी हक नहीं है, तुझे वो कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। जब तक हम इन सारी समस्याओं का निदान नहीं करेंगे हम क्या करें। महात्मा गांधी बना इस बात से, जब गांव में घूमता था ना तो एक दिन रात को माता बहनों के बदबू आ रही थी कपड़ों से, उसने अपनी पत्नियों का इनको पूछो ये नाती क्यों नहीं है। महिलाओं ने कहा कि हम लाए क्या ये ड्रेस है, किसी को सुखाकर वापस पहनते हैं, इसलिए अगर नहाएंगे तो रोज क्या होगा। वो बहन ने आकर वापस कहा कि ये जो कह रही है कि हम साड़ी यही है, इसको धोएंगे सुखाएंगे तब तक लज्जा ढकने के लिए और कुछ साथ। तब उस व्यक्ति ने मन में संकल्प किया कि जब तक मेरा हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं बनेगा तब तक एक रंगोटी में रह करके देश को खड़ा करने का प्रयत्न करूंगा, तब जाकर के महात्मा गांधी बनता है। लोग जब तुम्हें प्यार करते ना तो तुम्हारे कपड़ों से नहीं करते, तुम्हारी बिल्डिंग से नहीं करते हैं, तुम्हारे त्याग से करते हैं। जो जितना त्याग करता वो उतना ही सम्मानित बनना था, क्या थी एक छोटी महिला थी, भगवान ने कहां से उत्पत्ति की उसके दिमाग में, ये प्रभु एकनाथ की कृपा है या धरती, हमारा देवता हमारा राज का मालिक भगवान एकनाथ, और इसलिए उसको जैसे बलवीर को आते देखा उसके दिमाग में कहां चलता, क्योंकि वो दोनों ही बच्चों को पाल रही थी और लगभग दोनों बराबरी की उम्र के थे। उसके दिमाग में आया कि बलवीर अभी उदय सिंह का हत्या कर देगा, तो मेवाड़ का दीपक बन जाएगा, और इसलिए तुरंत विचार किया कि इसे बाहर भेजो और अपने कलेजे के टुकड़े को सुलाओ, और कलेजा का टुकड़ा सुल गया। वो बालक भी अनजान नहीं था, 11 साल का बच्चा था, उसकी माँ ने जब सुलाया था तब उसे पता था कि मेरा क्या होना है, लेकिन उस बालक को धन्य हो यार जो बिना चीखे और बिना चिल्लाए दो टुकड़े हो गए और माँ ने पत्थर रख करके भी मेवाड़ का स्वाभिमान बचा लिया, मेवाड़ का भविष्य बचा लिया था, प्रताप पैदा हुआ। मैं आप सबसे प्रार्थना करूँ राजनीति को शुचिता के साथ, जनता के अस्तुलों को अपने हृदय में धारण करो, जनता के मूल्यों को समझो, जनता जो प्यार करती है ना वो तुमसे कुछ चाहती है, वो हमें करना है, और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिसने हमको तैयार किया है। ये जो सब आप कहते हो ना मैं घुमा, मैं कुछ नहीं घुमा भाई, ये संघ के उन तपस्वी कार्यकर्ताओं की देन थी जिन्होंने वनवासी कल्याण परिषद की तरफ से गाँव गाँव में काम किया, ये संघ के उन प्रचारकों की देन थी जिन्होंने एकल विद्यालय के माध्यम से इस संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र के एक एक टापरे टापरे को छाना, तब जाकर के खड़ा होता है, सबके सामूहिक प्रयत्न से होता है। जब तुम अच्छा सोचते हो तो ऊपर वाला मदद करता है,
कोई ना कोई आदर्श शक्ति है, नहीं तो ये अचानक अटल जी के बाद हम भी सोचे थे अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान क्या होगा। लेकिन एक बच्चा कहां से आता है और कैसे आकर के संभालता है, इसका मतलब यह धरती में चमत्कार है दोस्तों, ये धरती में चमत्कार है। यहाँ कोई ना कोई ऐसी शक्ति रहती है जो हमारे देश का मान सम्मान के लिए, कोई ना कोई बच्चा अपनी माँ की गर्भ से पैदा होकर के विवेकानंद खड़ा हो जाता है, देश को दुनिया को लड़ता है, हमारे में है, हमें करने की जरूरत है। और मैं सोचता हूँ कि किसी कार्यकर्ता को अफसोस करने की जरूरत नहीं। अब ये सोचते मैं क्या करूँगा, मैं आपसे रोज बात कर सकता हूँ, मुझे क्या फोन बंद थोड़ी रहते हैं, व्हाट्सएप भी बात हो सकती है। और लत्ती फेंकने का काम मत, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम मत, जिसके कर्म में लिखा होगा वो बने, जिसके कर्म में नहीं लिखा वो नहीं बनेगा, रोने से कोई फायदा नहीं, अपना अपना काम करते चले जाओ, बाकी काम तो जनता को करना है, पार्टी को करना है, पार्टी के नेताओं को करना है, तू काहे को परेशान हो रहा। तो एक बार मैं आपके सामने उदयपुर की महान जनता को प्रणाम करता हूँ, आपने जिस बच्चे को पाला पोसा, इतना कर चढ़ाया, सारा तो नहीं उतार सका पर ब्याज उतारने का प्रयत्न जरूर किया, बचा हुआ जीवन आपके कर्जे को उतारने का प्रयास हो। और मैं आप हजारों कार्यकर्ता बंधुओं में आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इस संगठन को आगे खड़ा करने के लिए भूखे प्यासे दौड़कर इस संगठन को जो ताकत दी है उसके कारण से हम सब नेता यहाँ खड़े बैठे हैं। ये कमाई तो सब आपकी है, भुगतने का सौभाग्य हमको मिल गया जो हमारे को पूर्व जन्म के कर्म थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ बैठने वाला कार्यकर्ता छोटा नहीं है, बैठने वाला बड़ा नहीं है, वो मेरा बराबरी का है। जब मैं काम करता था तो मेरे कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो मुझसे भी ज़्यादा समर्पण वाले थे, उनके भाग्य में नहीं था, मेरे भाग्य में, इससे ज़्यादा और कोई फर्क नहीं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से उदयपुर की जनता को प्रणाम करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये पाला हुआ बच्चा व्यवहार के मान सम्मान और गौरव को जहाँ भी रहेगा बढ़ाएगा, किसी प्रकार से कम नहीं होने देगा, चाहे कठिन से कठिन रास्ता आएगा तो भी उसको पार करते हुए निकलेंगे। और आपसे मेरे संबंध और जनता का जो कर्जा है उसको मैं जहाँ भी रहूँगा उतारने का प्रयास करूँगा, इतना भरोसा दिलाता हूँ। और जब आप यहाँ स्वागत करने आए तो कोई ज्यादा माथापोड़ी मत पड़ो, आपके मन से यहाँ उपस्थिति आ गई ये स्वागत हो गया, फिर भी फॉर्मेलिटी के हिसाब से जो करना चाहे तो कर्म से हमें कम से धक्कम पेन में कोई मतलब नहीं है। दोबारा फोटो आ जाएगा तो 8 फीट की हाइट बढ़ेगी, नहीं होगी तो 5 फीट तक होगी नहीं, बिना बात के जो मर्जी हो, बहुत अच्छे ढंग से चलो। और जिस संगठन ने हमको डिसिप्लिन सिखाया ना, उस संगठन के डिसिप्लिन को अंदर बिठाने का प्रयास करो, हमारी पहचान हमारे संगठन की अनुशासनता है, हमारी पार्टी के प्रति प्रेम है, ये हमारी ताकत है, हम इस ताकत को लेकर जाएंगे। और आज आपने सबके जो शब्दों से भी मुझे आशीर्वाद दिया और आपके कहने से बाकी सब लोगों ने अपनी जगह बैठकर मुझे आशीर्वाद देने हैं बताए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बच्चे को योग्य बनाया, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करके इस कर्जे को उतारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार अपने स्थान पर खड़े होकर भाई साहब के सम्मान के लिए कर्तव्य ध्वनि के साथ भाई साहब का सम्मान करें। भाई साहब का मार्मिक उद्बोधन हम सब के बीच में रहा, इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में सुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ और अनुशासन के साथ हमको काम करना, उसके बारे में भाई साहब ने बताया। हमारे मध्य पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के श्री चंदी कपड़ानी साहब पधारे हैं, वो गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्री चंदी कपड़ानी साहब का, भाई साहब का इस मुझे देकर स्वागत करें। धन्यवाद के लिए मैं नगर निगम के उप महापौर भाई पारा जी सिंगली साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापित करें। उससे पूर्व मैं विभिन्न सामाजिक संगठन के, विभिन्न संस्थाओं के, राजनीतिक क्षेत्र के महानुभव यहाँ पधारे हुए हैं, एक एक करके जिनको कार्यकर्ताओं को व्यवस्था की दृष्टि से लगा रखा है, मंच के ठीक जहाँ मैं बोला वहां से आए और उस दिशा में उतरे। बाद में धन्यवाद के लिए लोकप्रिय उपमहापौर पाराजी सिंह साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। और इसके बाद फूल सिंह जी मीना प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष गोपाल जी भाई साहब की, भाई साहब को तस्वीर देकर सम्मान करेंगे। भारत माता की, तेरा वैभव अमर रहे माँ।
हम निर्जार रहे ना रहे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे, ऐसे भाव हम सब के प्रेरणा माने। असम के महामहिम राज्यपाल, हमारा मार्गदर्शन पल पल पर करने वाले परम सदैव गुलाब जी भाई साहब, मन पर विराजमान सभी समाज के वरिष्ठ जन, पार्टी के वरिष्ठ जन, पधारे हुए सभी उदयपुर के सम्मानित नागरिक महानुभाव, मातृशक्ति, पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों, आज हमें बहुत ही दुख के साथ में और खुशी के साथ में दोनों ही पल आज हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ गुलाब जी भाई साहब, अब हम किसके पास जाएंगे, हमारा दुख लेकर कौन सुनेगा, लेकिन आज आपने ये कहा कि टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता है, बस हम आपसे यही उम्मीद और यही आशा व्यक्त करते हैं कि मैं आज इस अवसर पर एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। भाई साहब सबने नाम लिया, लेकिन एक नाम जो मेरे दिल में था वो आपने नहीं लिया, हमारे नेताओं ने नहीं लिया। आज इस जीवन यात्रा के अंदर आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें आपकी धर्मपत्नी हमारी भाभी अनीता जी कनारिया का बहुत बड़ा योगदान है। आज उनका सहयोग नहीं होता, आज उनका साथ नहीं होता तो शायद इस मुकाम पर आप नहीं पहुंचते। मैं पुनः एक बार सभी पधारे हुए उदयपुर के समाज के गणमान्य नागरिकों का, समाज के वरिष्ठ जनों का, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गणों का, आप यहाँ पर पधारे हुए हृदय की असीम दरों से आपका भाई साहब आपसे निवेदन है, सबके नाम पुकारेंगे एक एक करके मंच पर पधारे, आपसे हाथ छोड़कर विनती है व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। आप इतनी देर विराजे हैं, मेरा आपसे निवेदन है सबका नाम पुकारेंगे, आप एक एक करके मंच